हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक का। प्यारे बच्चों, 6.2 को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा थ्योरम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो थ्योरम पता रहेगा ना तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। अगर वो थ्योरम आपको नहीं पता रहेगा तो चीज़ें गड़बड़ होने लगेंगी। तो थ्योरम क्या है भैया, चलो उसको बताता हूँ मैं फटाफट। एकदम सिंपल सा थ्योरम है, इसके बारे में पहले भी पढ़ाई हो कहीं ना कहीं। देखो, इसमें ये बोला जा रहा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसमें इफ अगर अपन एक लाइन बनाते हैं, अगर हमने एक लाइन बनाया, वो लाइन क्या है, पैरेलल है थर्ड वाले साइड के, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ना, ये क्या करेंगे कि इसके ये वाले साइड को और ये वाले साइड को जो रेशियो है उसे बराबर बराबर रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पर अगर अपन मैं देखूँ तो ये हो गया ए से लेकर डी तक ए डी, और यहाँ से डी से लेकर बी तक डी बी। तो ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा ना, वो इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए ई, और उसके रेशियो होगा ई सी के साथ, यानी कि इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो जो है बराबर हो जाएगा अगर एक पैरेलल लाइन जो है इस एंगल को कट कर रहा है कहीं से भी। और इसी से रिलेटेड, इसी का अपोजिट कह लो या इसका कन्वर्स कह सकते हो तुम, एक थ्योरम और दिया हुआ है तुम्हें 6.2 करके, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये वाला। और इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर कोई लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, यानी कि अगर कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, उसके साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो जो लाइन होगा ना वो पैरेलल होगा थर्ड वाले के। तो समझ में, इसमें उल्टा क्या है, पिछले बार ये बोला गया था कि अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है थर्ड वाले साइड के, तो उस कंडीशन में इसके जो रेशियो होंगे वो बराबर है। और इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर रेशियो बराबर है, यानी कुछ इस तरीके से कट किया है कि रेशियो को बराबर कर दिया, तो इसका मतलब कि ये जो लाइन होगा ये थर्ड वाले के पैरेलल होगा। तो ये हमारे पास थ्योरम दिए हुए थे, और ये दोनों थ्योरम अगर आपके काम आ जाए ना तो फिर आपका पूरा एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ हाँ, ये भी ध्यान रखना कि एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं वो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पर से नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाए। अब देखो, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब तुमको ये आसान लगेगा क्योंकि अभी तुमने हमारा जो थ्योरम है वो पढ़ लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप फिगर देखोगे, ये पहला वाला और दूसरा वाला, तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन DE है ना, वो BC के क्या है, पैरेलल है। ये देखो, ये वाली जो लाइन DE है वो पैरेलल है BC के। तो अपने को क्या करना है, फाइंड EC इन वन, यानी कि यहाँ हमारे पास E से लेकर के C तक ये वाली जो साइड है अपने को ये फाइंड करनी है पहले वाले में, और AD इन सेकेंड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइड है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको इसमें फाइंड करनी है। तो आपने रेशियो पता चली गया कि इसका इसका रेशियो बराबर होगा, तो बस उस रेशियो से ही अपन सॉल्व कर लेंगे। चलो कभी मैं समझाऊँ कैसे। तो ये देखो, हमने छोटा सा डायग्राम बना लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको दिया क्या गया है, तो वी हैव, हमारे पास इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि जो ये DE है ना, ये क्या है, ये पैरेलल है बीसी के। तो इस वजह से जो हमने अभी थ्योरम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग एडी जो होगा उसका अगर रेशियो निकाला जाए डीबी के साथ, तो वो इक्वल होगा एई और रेशियो इसी के। यही तुमने भी पढ़ा। अब लेकिन बगल में अपने को बताना तो पड़ेगा ना कि ये क्यों हो रहा है, हमने पढ़ा है ये तो हमको ना पता है, टीचर को थोड़ी पता है। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, पूरा पूरा थ्योरम नहीं लिखोगे, यहाँ पर तुम दो चीज़ें लिख सकते हो शॉर्टकट में। या तो तुम लिखोगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि BPT जिसे हम कहते हैं, या फिर इसे ही तुम कह सकते हो थेल्स का थ्योरम। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको जब मैंने वन शॉट वीडियोस बनाए थे तब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो इसको, या BPT भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये इसका मतलब, जो हमने थ्योरम ही पढ़ा ना उसको डिटेल में आप उसको थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो, या उसी थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा जो AD है वो दिया हुआ है 1.5, DB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AE जो है 1 सेंटीमीटर, और EC जो है वो नहीं दिया, यही फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो तुम ऐसे ऐसे, या तुम चाहो तो डायरेक्ट EC को इधर ले आओ, और नहीं उल्टा कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पर तो 1 है ऊपर में, कोई मतलब नहीं होगा, नीचे कर देते हैं इसको। अगर अपन उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1.5 नीचे आ जाएगा, और EC ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो नीचे में 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जानते हो डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखा जाता है। अब 1.5 के टेबल में कितने टाइम पढ़ूँगी 3 आ जाए, तो कोई बच्चा ही बता देगा कि 1.5 के टेबल सर 2 टाइम पढ़ते हैं तो 3 आता है हमारे पास, तो 2 टाइम पे कट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि जो EC साइड है, जो बचा हुआ साइड यहाँ से यहाँ तक, वो हमारे 2 सेंटीमीटर का है। 2 = EC लिख लो, या EC = 2 सेंटीमीटर लिखो, बतिया एक ही है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये रहा हमारा सेकंड डायग्राम, यहाँ पर हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो फिर सभी काम करेंगे अपन, लिखेंगे AD डिवाइड बाई DB, क्योंकि रीजन आप लोग पता ही है, पिछले बार लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद AE डिवाइड बाई EC,
ठीक है। चलो अब कहाँ कहाँ पर वैल्यू दिया है, ए डी का वैल्यू तो दिया नहीं, उसको रहने दो। डी बी का वैल्यू कितना दिया भैया, 7.2 दिया हुआ है। ए ई का वैल्यू कितना दिया है, 1.8 दिया हुआ है, और ये हमारे पास 5.4 दिया हुआ है, देख लो। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, सो डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, डायरेक्ट कट मत करो, तुम एक काम करो, इसको ट्रांसफर कर लो पहले। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से ए डी इक्वल टू 18 या फिर कह लो 1.8 मल्टीप्लाई में 7.2, ये गलती से पॉइंट लग गया, वहाँ पर नहीं है ना, 7 के और 2 के बीच में है, नीचे में 5.4 है। अब देखो कई बच्चों क्या होता है कि डेसिमल में बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, डेसिमल में जब कट उट करने की बारी आती है, मल्टीप्लाई करने की बारी आती है, तो गड़बड़ कर देते हैं। तो मैंने उसका एक शॉर्टकट तरीका तुम लोगों को पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ कि तुम डेसिमल को गायब कर दो। अगर तुम अगर ऐसे बच्चे हो जो डेसिमल से थोड़ा सा गड़बड़ करने से डरते हो, तो उस कंडीशन में तुम डेसिमल को गायब कर दो। गायब कैसे करोगे, देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट हो गए डेसिमल के बाद। तो तुम ऊपर में कर दो 100 से मल्टीप्लाई, और रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर में अगर ऊपर से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम चीज़ का, तो उससे वो आपस में कट हो जाता है और कोई चेंज नहीं होता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये AD इक्वल टू हो जाएगा 18, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 72 हो जाएगा। नीचे में तुम इसको देखो 54 का, यानी 5.4 का जब एक जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 54 हो जाएगा, लेकिन एक जीरो भी और भी बचा हुआ है, तो तुम चाहो तो यहाँ पर उस जीरो को लगा सकते हो, या तुम चाहो तो अलग से मल्टीप्लाई में 10 ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही है। अब यहाँ पर से अगर तुमको मैं कट करने के लिए बोलूँ तो ये हमारे पास कितने टाइम पर कट हो जा रहा है, अगर मैं डायरेक्ट इसको 18 से कट करूँ तो 3 टाइम पर तो ये चला जा रहा है, 18 के टेबल में 3 टाइम पर ये चला जाएगा, फिर ऊपर में ये भी जा रहा है क्या, ये भी जा रहा है 3 का टेबल से, 3 का टेबल में हमारा 3 2 6 होगा और 1 आ गया तो 3 4 12 हो जाएगा। तो देखो ये 24 डिवाइड बाई हमारा 10 आ गया, जिसको अपन कट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे में एक जीरो पहले से है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा, हम लोग जानते हैं जब नीचे में जीरो रहता है तो उसकी वजह से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है, तो ED की जो वैल्यू होगी वो 2.4 हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, सेंटीमीटर जरूर लगाना एग्जाम में आंसर आता है तो, यानी एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, नहीं तो अगर सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट दिया अगर नहीं लिखोगे ना तो उसमें भी नंबर कट किए जाते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ जिसमें तुमने बेसिक चीज़ों को सीखा है कि BPT क्या होता है, थेल्स थ्योरम क्या होता है, या जो आपके बुक में जो पहला वाला थ्योरम दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, ये आपने यहाँ पर सीख लिया। अब हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट बनाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो सेकंड वाले बोला जा रहा है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली और ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल हमारे पास PQR है, यहाँ पे डायग्राम दिया है क्या, नहीं यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक ट्रायंगल बना लेंगे। अभी ट्रायंगल बनाएंगे तो तुमको और चीज़ें से समझ में आएंगी। एक ट्रायंगल PQR है जिसमें E और F, जैसे यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए थे ना, D और E, वैसे दो पॉइंट है, E और F दो हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन दिए हुए हैं, इन कंडीशन में जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के, अपने को क्या बोला जा रहा है कि पी जो है वो 3.9 है, ई क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, पी एफ 3.6 है और एफ आर 2.4 है। तो अपने को ये चेक करना है कि अगर हम लोग इन सभी वैल्यूज़ को पुट करें तो क्या हमारे पास ये जो ई एफ और क्यू आर जो लाइन बनेंगे क्या वो पैरेलल बनेंगे। तो आप लोग को पता है कि पैरेलल कब होता है, हमने 6.2 में पढ़ा था कि अगर हमारे जो साइड्स हैं अगर उनका रेशियो आपस में क्या हो सकता है, रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। और पहले थ्योरी में पढ़ा था कि अगर पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर बस उसका उल्टा कर देना है, अपने को चेक करना है कि ये हमारे प्रोपोर्शनल है या नहीं, अगर हो जाएंगे तो ये हमारा पैरेलल हो जाएगा, अगर नहीं हुए तो पैरेलल नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR, जिसमें दो पॉइंट है, ई एक साइड है पी क्यू में और जो एफ है वो है पी आर के ऊपर। अब हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि भैया ये कंडीशन रखो और चेक करो कि ये जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो हम लोग पता है, ये जो मैंने सेकेंड नंबर थ्योरम था ना उसी को यहाँ पर छाप दिया है कि भैया हमको पता है कि जो लाइन है अगर वो डिवाइड करता है किसी भी दो साइड को ट्रायंगल के इन द सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर देता है तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन होगा इस वाले साइड के पैरेलल होगा, ये अपने को पता है। तो अपने को बस यही चेक करना है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अपन पीई और ईक्यू को निकालते हैं, पीई रेशियो ईक्यू, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3.9 डिवाइड बाई में 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं डेसिमल अगर हटाना चाहूं तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, या तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, बाकी मैं अभी रेशियो जो कि निकाल रहा हूं ना तो नीचे 1 लिखने से अच्छा है कि इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये तुम्हारा यहां से बन जाएगा कितना, 39 हो जाएगा और नीचे में 30 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कट करता हूं 3 का टेबल से तो मेरा नीचे में आ जाएगा 10, 3 10 जा और ऊपर में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 यानी कि 13 आ जाएगा। तो जो हमारे पास पीई और ईक्यू का रेशियो निकल करके आया है वो इतना निकल करके आया है। अब अपन इधर भी चेक कर लेते हैं कि इधर हमारे पास जो है पीएफ और एफ आर इसका रेशियो कितना होता है, अगर सेम आ गया तो पैरेलल हो जाएगा, सेम नहीं आया तो पैरेलल नहीं होगा। डिवाइड बाय एफ आर, तो ये हमारे पास 3.6 डिवाइड बाय 2.4 है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 36 डिवाइड बाय में 24। ये हमारा कट हो रहा है किससे, 4 से कट हो रहा है, 4 9 जा और ये 4 6 जा हो रहा है। अच्छा अभी और भी कट हो रहा है, ये तो हमारे पास 8 से भी कट कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, 3 3 जा और 3 2 जा और कट कर दो, तो 3/2 आ रहा है। तो हमारे पास ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, तो इसको ऐसे लिखोगे पी ई
डिवाइड बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, इसलिए हमारा जो साइड था कौन सा साइड दिया हुआ था, ई एफ बोला था ना, हाँ ई एफ, वो साइड पैरेलल नहीं होगा, ई एफ इज नॉट पैरेलल, ये हमारे पास पैरेलल नहीं होगा, ये नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, जो क्यू आर साइड है उसके पैरेलल नहीं होगा, बस यही करना है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल लिख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट होता है कंप्लीट। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया ना तो बाकी जो हमारे पास कितने तीन क्वेश्चन है ना, तीनों बहुत फटाफट बन जाएंगे। तो देखो सेकंड वाला तो एकदम सिंपल था, यहाँ पर भी पीई और क्यू हमें दिया हुआ है, देखो पीई और क्यू वाला वैल्यू दिया हुआ है और पीएफ और आरएफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमने वही काम किया, पीई और क्यू को यहाँ पर डिवाइड किया तो 4/4.5 आ रहा था, तो 10 से मल्टीप्लाई किया अपने दिमाग में तो 40 और 45 बन गया, फिर इसको हमने 5 से डिवाइड दे दिया तो 8/9 आ गया। फिर इधर हमारे पास पीएफ और एफआर जो है पहले से 8/9 आया दिया ही हुआ था, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल दिए हुए थे, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, फिर लिख ही देना कि हमारे पास जो पीई और QE है उसका जो रेशियो निकल रहा है वो PF और RF के बराबर निकल रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, थर्ड वाले में अपने को पूरी चीज़ें नहीं दी हुई है। कैसे दी हुई है, देखो PQ और PR दिया हुआ है, PQ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है और PR मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है। उसी तरीके से अपने को PE का और पी एफ का लेंथ दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 0.8 में, ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, लिखूंगा तो फालतू में फिर कन्फ्यूज आएंगे बच्चे की सर 0.8 ये सेकंड वाले में कहाँ से लिख दिए, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो पीई और पीएफ दिया हुआ है, यहाँ ये पार्ट दिया हुआ है और ये पार्ट दिया हुआ है, हमको क्या करना है कि पहले ये पार्ट और ये पार्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम कंप्लीट में से अगर पीई को माइनस करेंगे तो मेरा क्यूई आ जाएगा, उस तरीके से इधर इस कंप्लीट में से पीएफ को माइनस करेंगे तो ये एफआर आ जाएगा। तो बस वही काम करने का है अभी फिलहाल, सबसे पहले तो अपने को क्यूई निकालना है या ईक्यू जो बोल लो। तो इसके लिए अपने क्या करने वाले हैं, पूरा पीक्यू में से माइनस कर देंगे पीई वाले पार्ट को, तो ये पीक्यू हमारे पास कितना भैया 1.28 है, उसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला पार्ट यानी कि 0.18, तो कितना आ जाएगा क्यूई की वैल्यू, ये आ जाएगी तुम्हारे पास 10 हो जाएगा यहाँ पर और ये 1, तो 1.10 हमारा हो जाएगा यहाँ। उसी तरीके से अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना और किसी चीज़ एफ आर की वैल्यू चाहिए तो पी आर में से पी एफ को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। नाउ एफ आर इक्वल टू पी आर माइनस में, पी आर में से माइनस करेंगे पी एफ को, तो पी आर कितना है हमारे पास, पी आर कहाँ गया, ये रहा 2.56 दिया हुआ है, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग पी एफ जो कि हमारे पास 0.36 है, तो ये 50 में से 30 ये तो हमारे पास हो जाएगा 20 और 2 तो है ही, तो हमारे पास ये 2.20 यानी कि 20 हो जाएगा एफ आर की वैल्यू सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। इसको आप लोग चाहो तो ऐसे बॉक्स में क्लोज कर सकते हो, टीचर को देखने में मजा आता है ऐसे चीज़ों को अच्छे से साफ साफ। तो ये दो चीज़ें हो गई, अब अपने को क्या करना है गुरुदेव, तो अब अपने को इसका रेशियो निकाल देना है, तो फटाफट चलो निकाल देते हैं बगल में ही। नाउ बगल में निकालू कहीं भी निकालू, यहाँ बगल में निकालता हूँ, ठीक है, इसी स्टेप के बाद इधर हमारे पास। तो अब अपन करने वाले हैं पीई का रेशियो ई क्यू के साथ, ठीक, या फिर क्यू के साथ जो भी था, क्यू लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पी हमारे पास कितना है 0.18 है, डिवाइड बाई में ई क्यू कितना है, ई क्यू 1.10 है। देखो वही चीज़ होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा पूरा 18 बन जाएगा और नीचे में हमारा 110 आ जाएगा। अब अगर इसको डिवाइड करता हूँ ना, तो चूंकि मैंने पहले डिवाइड वगैरह कर लिया है तो मुझे पता है कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास 9/55 ही आएगा, क्योंकि किसी भी दूसरे नंबर से कटेगा ही नहीं, केवल ये 2 से ही कट होगा और किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा जो रेशियो है वो कैसे निकलेगा, तो पी एफ का रेशियो निकालना पड़ेगा एफ आर से या आर एफ जो लिखना चाहो। तो पी एफ अपने को कितना दिया, हमने कितना निकाला पी एफ, पी एफ कहाँ गया, पी एफ अपने को दिया हुआ था 0.36 और ये जो एफ आर है ये हमने निकाला था 2.20। तो ये भी हमारा वही चीज़ होगा, 100 से मल्टीप्लाई करके 36 और नीचे में 220 हो जाएगा, डेसिमल पूरा आगे चला जाएगा तो 220 बना देगा। और जब इसको भी हम लोग कट करेंगे तो पहले 2 से कट करेंगे तो 18/110 आएगा, देखो यहाँ पर 2 से कट होगा तो इतना ही आएगा, और फिर एक बार और कट करेंगे तो हमारे पास 9/55 आ जाएगा, या तुम चाहो तो एक ही बार में 4 से इसको उड़ा सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा ये बराबर आ जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको लिखेंगे कि इस चूँकि हमारे पास जो PE का और EQ का रेशियो है वो बराबर है हमारे PF और FR के रेशियो से, इसलिए हमारे यहाँ पर भी जो EF लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा QR के। खेल खत्म है इस क्वेश्चन का भी। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को अब ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है या जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बारीकी के साथ। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है चलो उसे बनाते हैं।
तो देखो थर्ड वाले प्यारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास अगर LM और CB आपस में पैरेलल हैं, देखो ये फिगर है, इसमें LM और ये वाला CB जो है, ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं, और साथ ही साथ LN यानी कि ये वाला साइड और CD यानी कि ये साइड आपस में पैरेलल है, तो आपको AM डिवाइड बाई AB को इक्वल प्रूफ करना है A1 डिवाइड बाई AD के। कैसे प्रूफ करेंगे? तो अपन पहले ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा हमारे पास प्रूफ क्या क्या है भैया। देखो हमारे पास प्रूफ है कि इन ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल ABC है उस ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है LM पैरेलल टू CB, ठीक है, ये वाला साइड और ये साइड पैरेलल दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमारे पास, अगर इस चीज़ को तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऐसे इस पार्ट को भूल जाओ, तो हमने क्या सीखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो ये वाला जो हमारा पार्ट AL और ये जो CL है, इसका अगर रेशियो निकालें अपन तो वो AM और ये BM के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि जो AM का और BM का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AL और CL के, ठीक है। और इसका रीज़न भी बगल में जरूर लिख देना, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये चीज़ पहला हो गया, इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ नीचे वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन दोबारा से इन ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल ACD है, नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला देखो ऊपर वाले को भूल जाओ, अब नीचे वाले में आ जाओ, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इसका मतलब कि AN और DN का जो होगा ये AL और CL के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए, ये फिर पहले बार लिख लो कि हमारे पास दिया क्या था, LN दिया हुआ था ना, LN पैरेलल टू CD दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास जो AN होगा, अगर उसका मैं रेशियो निकालूं DN के साथ, तो वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा हमारे AL और उसका रेशियो CL के, ठीक है। यही चीज़ जो पहले हुआ था, तो ये भी हमारा किस चीज़ से हो रहा है, तो ये भी हमारा BPT से हो रहा है, तो इसको भी यहाँ पर जरूर लिख देना, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन आप 1 में देखो, 2 में देखो कि राइट वाले पार्ट इक्वल हैं, और हम क्या जानते हैं कि अगर राइट पार्ट इक्वल होता है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको ये पता चल गया कि AM और BM जो लेफ्ट वाले हैं वो इक्वल होंगे AN और DN के। और यही चीज़ तो अपने को दिया हुआ था, शायद क्या प्रूफ करना था, AM और नीचे में AB लाना था। कोई बात नहीं, AB भी आ जाएगा, कहाँ पर है भाई AB हमारे पास, ये AB हमारा कंप्लीट पार्ट दिया हुआ है ना, तो इसमें भी BPT थी वैसे ही लग जाएगा कि हमने यहाँ पर AM और यहाँ पर अपने को AB लाना था, तो मैंने एक गड़बड़ कर दिया छोटा सा, कि मैंने ये छोटे छोटे रेशियो को लिया। एक्चुअल में देखो जो BPT हमारे पास है वो केवल एक चीज़ नहीं है, अगर आप रेशियो देखोगे तो AM का और BM का रेशियो, और इधर से AL और CL का अगर रेशियो बराबर हो रहा है ना, कुछ इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, इसका बेसिक समझा देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखो ये मेरा A है, ये मेरे पास B है, और ये मेरे पास C है, A और C के बीच में हमारे पास लाइन ऐसे टेढ़ा था, कोई बात नहीं, चलो इसी में समझा देता हूँ, मैं E और F लेकर के समझा देता हूँ कि देखो होता क्या है कि अगर मेरे पास AE और डिवाइड बाई में BE का रेशियो अगर इक्वल है AF डिवाइड बाई CF के, तो केवल एक ही रेशियो नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करेंगी। यहाँ पर अब हम लोग अगर AE का रेशियो निकालते हैं पूरे AB से, पूरे कंप्लीट AB से, तो वो भी इक्वल होगा AF और रेशियो हमारे AC के साथ। इस वजह से यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना AM और BM, इसमें भी हम लोग ऐसे सुधार कर सकते हैं कि हमारे पास AM लेकिन अपने को लाना था AB के फॉर्म में लाना था, तो AM डिवाइड बाई AB मेरे को लेना था, यानी कि जो पहला वाला ट्रायंगल था यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, चलो इसको मैं सुधार देता हूँ, AM डिवाइड बाई जो BM लिखा है मैंने, इसके बदले मैं AB लिख दूंगा, और बस यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर AL डिवाइड बाई AC करना पड़ेगा, तो इसको मैं AC कर देता हूँ, खेल खत्म। उसी तरीके से सेकेंड वाले में भी हो जाएगा कि हमने जो LN और CD को पैरेलल लिया हुआ था, यहाँ पर हमारे पास AN डिवाइड बाई, देखो ये AN है, इसमें मैं AD को ले लूँगा, AN और AD का जो रेशियो होगा AN डिवाइड बाई AD वो इक्वल हो जाएगा AL और डिवाइड बाई AC के, ये कंप्लीट वाले के, तो यहाँ पर फिर से AC कर दो बस इसको और कुछ नहीं करो, तो वही चीज़ आ जा रहा है, AL और हमारे पास AC इधर भी आ जा रहा है, AL और AC यहाँ पर भी आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास वही होगा इक्वेशन 1 और 2 से कि हमारा जो लेफ्ट वाला AM डिवाइड बाई, इसको मैं थोड़ा सा कट करके अच्छे साफ साफ लिख देता हूँ, मजा नहीं आ रहा क्योंकि बार बार छोटा छोटा ऐसा कट करना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, यानी कि AM डिवाइड बाई AB जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे AN डिवाइड बाई AD के, और यही चीज़ अपने को लेकर के आना था। तो तुम लोग ये काम करना, मैंने जो गड़बड़ किया वो एग्जाम में गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मैंने क्या किया कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे लाना क्या है, बस मुझे इतना समझ में था कि भैया मेरे को यहाँ पर तो BPT यूज़ करनी है, मेरा आराम से आंसर आ जाएगा। हाँ, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि अपने को किसका किसका रेशियो का बात किया है, अपने को AM और AB का रेशियो बात किया, यानी ये वाला पार्ट और ये पार्ट, तो ये जो मैंने तुमको भी समझाया है ना, इसको ध्यान से रखना। तुम्हारे NCERT की बुक में शायद ये कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, अगर देख लेता हूँ कहीं पर दिया होगा तो, बाकी RS अग्रवाल और RD शर्मा जब बच्चों को बुक पढ़ा रहा था ना, तो उसमें ये सारे रेशियो भी दिए हुए थे, केवल यही वाला नहीं दिया था,
तो केवल एक ही दिया हुआ है, लेकिन आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा दोनों बुक में बहुत सारे रेशियो दिए हुए थे कि ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे, ये पार्ट कैसे निकालोगे, जिससे जो मैंने लिखा भी तो ये सब भी बराबर होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि बच्चों को ये पता रहे, IMP करके लिख देता हूँ ताकि जब मैं नोट्स दूँ ना तो बच्चों को ये चीज़ याद रहे ताकि भूले ना वो। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, आई होप आपको थर्ड पार्ट समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, फिलहाल हम लोग फोर्थ पार्ट बनाते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं और क्लियर करते चलता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके NCERT के बुक में ना जो मेथड मैंने भी डायरेक्ट बनाया ना वो मेथड नहीं दिया हुआ था, मैंने ढूंढा कहीं पर लेकिन कहीं पर मुझे नहीं मिला, जबकि RS और RD में दिया हुआ था। तो एक काम जरूर करना, अपने टीचर से पूछ लेना कि सर क्या अपन AD डिवाइड बाई AB को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो ये होता तो है, ये तो गारंटी मेरी है आपको कि AD डिवाइड बाई AB और AE डिवाइड बाई AC कंप्लीट, ये चीज़ हमारा होता है, लेकिन डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बस ये चीज़ अपने टीचर से आप लोग स्कूल में पूछ लेना। अदरवाइज अगर आपको मान लो ये नहीं लिखना है या एग्जाम में आप हो सकता है कन्फ्यूज अगर आपको हो रहा हो कि नहीं सर मैं अगर AD डिवाइड बाई AB लिखूंगा तो हो सकता है मैं भूल जाऊं, मुझे इतना तो याद रहेगा कि इसका और इसका रेशियो बराबर होता है, लेकिन ये वाला पार्ट अगर मैं भूल जाऊं तब कैसे करूं। तो तुम्हारे बुक में इसके लिए एक आसान तरीका ये दिया हुआ है कि तुम क्या कर सकते हो, जब मैंने जो सॉल्व किया था ना वैसे ही तुम वहां तक सॉल्व करना, उसके बाद मैंने जो कटपिट किया था तुम कटपिट नहीं करना, तुम दोनों साइड में +1 कर देना। जब तुम दोनों साइड में +1 करोगे बेटा ना तो तुम्हारा वो पार्ट कंप्लीट आ ही जाएगा, इसमें ये ऐड होगा फिर ऊपर वाले में ऐड होगा। मैं तुमको दिखा देता हूं कि यहां पर हमारे पास DB डिवाइड बाई AD ये था पहले से, देखो DB कौन सा, ये वाला, और AB ये वाला, AD ये वाला, तो ये तो तुम लोगों को पता है कि ये तो रेशियो में रहेगा ही, लेकिन अगर दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या हो रहा है कि हमारा AD में 1 ऐड होगा तो AD आ जाएगा, फिर हमारे पास AD और प्लस में DB हो जाएगा, AD प्लस DB मिला करके कंप्लीट AB आ जाएगा जो कि अपने को दिया हुआ है, और नीचे में जो AD है वो तो रहेगा ही। उसी तरीके से इधर भी हमारा AE का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो EC प्लस में AE आ जाएगा, तो EC प्लस में AE यानी कि AC हो जाएगा पूरा, तो देखो AC बाद में लिखा है। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि बच्चे डायरेक्ट भी लिख लें, लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं सर हमारे टीचर में हो सकता है गलत कर दें तो तुमने टीचर से एक बार पूछ लेना, बात कर लेना। वैसे तो बोर्ड्स में गलत नहीं किया जाता है क्योंकि कई बुक में डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, बाकी अपने टीचर से बात कर लेना। और अगर तुमको खुद ही लगता है कि नहीं सर मैं भूल सकता हूँ डायरेक्ट लिखना तो तुम लोग ये +1 वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं थी, अगर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ समझा देता हूँ बच्चों को ताकि बच्चों को बाद में डाउट ना हो कि सर ने तो डायरेक्ट बताया लेकिन स्कूल में डायरेक्ट नहीं बताया जा रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं फोर्थ वाले में, कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं DE और AC पैरेलल है। देखो DE से लेकर के E तक ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है AC के यानी कि ये वाली लाइन की, और उसके साथ DF और AE भी पैरेलल है, DF यानी कि ये लाइन और AE यानी कि ये वाला लाइन। अपने को BF और FE को यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना है BE और EC के, तो इसमें तो डायरेक्ट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास ABE ये ट्रायंगल का यूज़ करेंगे और ABC जो बड़ा ट्रायंगल है उसका यूज़ करेंगे। तो पहले बड़ा वाला का यूज़ कर लेते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ, हमारे पास भी ये सबूत क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं। हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC के अंदर देखा जाए तो हमारे पास वही चीज़ है, ABC को ध्यान से देखो तो इसमें DE और AC को पैरेलल दिया हुआ है, DE इज पैरेलल टू AC, और इस वजह से जो हमारे पास DE के बाद हमारे पास जो लाइन बना है यानी कि ये जो BE लाइन बना है और ये जो EC लाइन बना है, तो हम लोग लिखेंगे BE डिवाइड बाई EC, वो क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा BD डिवाइड बाई हमारे AD के। तो यहाँ पर ले जाते अपन BD डिवाइड बाई AD, खत्म खेल, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसी फॉर्म में लाना है ना BE और EC, हाँ इसी फॉर्म में लाना है। अब उसी तरीके से तुम छोटा अगर ट्रायंगल देखोगे ABE ट्रायंगल देखोगे, इन ट्रायंगल ABE, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर तुम लोग ध्यान से देखना कि हमारे पास DF और AE को पैरेलल दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन कि भैया DF इज पैरेलल टू AE, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इस वजह से हमारे पास जो B से लेकर के F वाली लाइन है और ये जो FE लाइन है BF और FE, इसका अगर अपन रेशियो निकालें BF रेशियो FE, तो ये क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, तो BD डिवाइड बाई AD के, तो ये हो जाएगा BD डिवाइड बाई AD के। और यहाँ पर भी आप लोग देखो राइट वाले साइड हमारे बराबर हो गए हैं, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें भी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास जो लेफ्ट वाला है यानी कि BE डिवाइड बाई जो ये है EC, BE डिवाइड बाई EC, वो इक्वल हो जाएगा हमारे BF डिवाइड बाई FE के। और यही चीज़ तो अपने को लाना था, बस हमारे जो क्वेश्चन था उसमें BF और FE को लेफ्ट में लिखा है और इसको राइट में लिखा है और मैंने इसको उल्टा लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग भी उल्टा लिख सकते हो, इक्वल का मतलब ये होता है कि लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर है चाहे तुम उसको किधर लिखो, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन में फोर्थ बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, इसमें तो डायरेक्ट थे, इसमें तो +1 भी नहीं करना पड़ा, नहीं तो +1 अगर करना पड़ता ना तो इसमें मैं +1 करके ही आपको सिखा देता, डायरेक्ट वाला मैं आपको नहीं बताता क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वाला बता दिया था। चलो जो अगला क्वेश्चन है उससे बनाते हैं। और हाँ बच्चा, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना बेटा तो जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके।
चलो जल्दी से भी एक बार सारे क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कई बच्चों के पास बुक नहीं रहता है और वो इंटरनेट से डाउनलोड करना भी नहीं जानते हैं, थोड़ा से बुद्धू बच्चे होते हैं इंटरनेट के मामले में। तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन देख लो अगर बुक नहीं है तो, और स्क्रीनशॉट ले लेना पढ़ने के लिए। देखो इसमें बोल रहा है कि इन इस वाले फिगर में हमारे पास डी ई जो है, और मैं डायग्राम बना दूंगा, चिंता ना करो, ताकि मैं आपको डायग्राम बना बना के समझा पाऊँ। डी ई और ओ क्यू हमारे पास पैरेलल है, तो डी ई कहाँ पर है ये देखो, डी ई ये वाला है, ओ क्यू ये वाला पार्ट है, थोड़ा थ्री डी डायग्राम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये वाला ऐसे ट्रायंगल यूज़ करेंगे ना पतलू सा, तो काम हो जाएगा। फिर डी एफ और ओ आर भी आपस में पैरेलल है, देखो ये डी एफ और ये ओ आर लाइन पैरेलल है। आपको ये शो करना है कि ई एफ, ई से लेकर के एफ वाली लाइन और ये जो क्यू आर है ना, ये भी आपस में पैरेलल होगी, ऐसा शो करना है। तो बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेने का, चलो समझा देता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर अपने को ई एफ और क्यू आर को अगर पैरेलल प्रूव करना है, तो अपने को ये जो ट्रायंगल है पी क्यू ओ, इसका यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ये बताया गया था कि ये जो ई डी है और ये जो क्यू ओ है, ये आपस में पैरेलल हैं, इसीलिए अपने को ये पी क्यू ओ का यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इन ट्रायंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। इसमें आपके पास ये दिया हुआ है ई डी इज़ पैरेलल टू क्यू ओ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस वजह से हम लोग को पता है कि ये जो हमारा P से E तक का रेशियो होगा किसके साथ, ये E और Q का, ठीक है, E Q का, वो इक्वल होगा पी डी और रेशियो ओ डी का या डी ओ का, जो लिखना चाहो। तो पी डी और डी ओ लिख देता हूँ मैं, इसको ले लो तुम इक्वेशन नंबर वन। उसी तरीके से इधर जो हमारे पास डी एफ है और ये जो ओ आर है, इसको पैरेलल दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा ना, तो इसीलिए हम लोग इसमें फिर से वही लिखेंगे इन ट्रैंगल पी ओ आर, ट्रैंगल पी ओ आर के अंदर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये जरूर लिख लेना तुम लोग। अच्छा ये हमारे पास रीजन भी लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मैं बी पी टी शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये जरूर लिखना तुम लोग रीजन। इसे टीचर को बहुत मजा आता है देखने में कि चल बच्चे ने एक एक बारीकी ध्यान पर रखा है, ठीक है, बारीक चीज़ों को ध्यान में रखा है। तो अब यहाँ पर से हमारे पास पी एफ और ये जो एफ आर होगा, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर या आर एफ, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, आर एफ लिख देता हूँ ताकि आरिफ मेरा नाम हो जा रहा है थोड़ा सा। और इधर हमारे पास वही चीज़ होगा पी डी और डी ओ बराबर, तो पी डी डिवाइड बाई डी ओ, ठीक है। ये हमारे पास ये भी बी पी टी से ही हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जो लिखना चाहो लिख लो। और ये भी हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया, राइट वाला पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल होगा, लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू। वन एंड टू से हमारा क्या हुआ कि जो पी ई डिवाइड बाई ई क्यू है वो इक्वल हो जा रहा है पी एफ डिवाइड बाई आर एफ के। अब देखो यहाँ से एक मैजिक होगा, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू ये वाला, पी एफ ओहो ये वाला पार्ट डिवाइड बाई आर एफ ये वाला पार्ट। तो अब हम लोग अगर बड़े ट्रायंगल में देखें तो उसके जो साइड्स हैं ना वो क्या हो गए हैं, हमारे सेम रेशियो में डिवाइड हो गए हैं। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास ई एफ है ये वाली लाइन और ये जो हमारे पास लाइन क्यू आर है, ये क्या होगी, पैरेलल होगी, जो कि मैंने आपको थ्योरम नंबर जो 6.2 था उसमें दिखाया भी था कि अगर हमारे पास साइड हमारे पास इक्वल रेशियो में है तो इसका मतलब कि जो साइड में जो लाइन बनाया हुआ है, यानी इस लाइन की वजह से ना ये साइड दो दो पार्ट में बन गए, तो इसका मतलब ये जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर पैरेलल है तो फिर साइड जो होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। तो बस उल्टा कर देना है, बीपीटी को यहाँ पर उल्टा कर देना है और ऐसे लिखना है कि बाय कन्वर्स, कन्वर्स लिख दो तुम यहाँ पर, यानी कि उल्टा ऑफ बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के एक उल्टा से हम लोग ये पता चल गया कि हमारे पास इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या नाम था उसका, पी क्यू आर था ना, हाँ बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर, या फिर ये काम करना इसको पहले लिखना ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में बी पी टी के कन्वर्स के द्वारा ये क्लियर होता है कि जो ई एफ होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। और यही तो अपने को प्रूफ करना था बबुआ लोग, हो गया प्रूफ, खेल खत्म क्वेश्चन का। तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी होता है, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और अगले जो क्वेश्चन उन्हें बनाते हैं। देखो सिक्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है फिफ्थ की तरह ही, बस थोड़ा सा डायग्राम को चेंज कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिया गया है, बड़ा सा ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसके अंदर छोटा सा ट्रायंगल ए बी सी है, और हमसे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास ये जो पॉइंट ए बी और सी है वो कुछ इस तरीके से हैं कि हमारा ए बी और पी क्यू पैरेलल है। देखो ए बी और पी क्यू ये वाला पैरेलल है, उस तरीके से ए सी और ये जो पी आर है ये पैरेलल है। तो आपको ये बताना है कि जो बी सी होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा, बस यही शो करना है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे अपन प्रूव करके, जो पहले बनाया है ना सेम चीज़ करो, ट्रायंगल को पकड़ो, कौन सा ट्रायंगल, तो पी क्यू और ओ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना ये वाला, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इस ट्रायंगल के अंदर अपने को ये दिया हुआ है कि मेरा जो ए बी है ये वाली साइड वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, पूरे चीज़ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस ये ट्रायंगल याद रखना यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास जो ये Q से B तक और O से B तक का रेशियो होगा, QB का जो रेशियो होगा OB के साथ, वो इक्वल होगा इधर वाले OA और PA के। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं OA
पहले मैं एक सेकंड ना, मैंने पहले क्यू बी लिखा था ना, क्यू बी लिखा था यानी इधर से लिखा था, तो इधर से मुझे पी ए पहले लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं पी बना देता हूँ और ए लिख देता हूँ। और उसी तरीके से इधर मैं ओ बी को नीचे लिखा था तो ओ ए को भी नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, तो ओ ए हो गया। समझ में आ गया बबुआ, इसको पहला ले लेता हूँ मैं, फिर से वही काम करेंगे अगेन इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, तो ये वाला पी आर ओ, ये वाला प्रो ट्रायंगल को, पी आर ओ यानी कि प्रो ट्रायंगल में हमारे पास दिया हुआ था ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो इसलिए इस कारणवश हमारे पास ये जो ओ सी होगा और जो सी आर होगा, अगर इसका रेशियो निकाला जाए ओ सी रेशियो में सी आर का, तो वो क्या होगा, या फिर आर सी भी लिख सकते हो ना, देखो ओ सी और इधर से मैं सी आर ऐसे लिख दे रहा हूँ, तुम अगर ओ सी लिखो और सी आर सी भी लिखो तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, ध्यान रखना कि मेरे से रटना नहीं, यानी कि मैं जो लिखा हूँ उसी चीज़ को रट दिया, वैसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब इधर का रेशियो ओ ए, और हमारे पास तो हमने किधर से नाम लिखना शुरू किया था यार, एक सेकंड ना, मैंने ओ सी का नाम लिखा है और फिर सी आर का लिखा है, तो मैं ओ ए का और फिर मैं यहाँ से पी ए का लिखूँगा, लिखना तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ना उससे गड़बड़ हो रहा है, एक छोटा सा गड़बड़ क्या हो रहा है कि मेरे पास पहले मैंने पी ए लिखा है ना ऊपर में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ भी पी ए ऊपर में ही है, ताकि फिर मेरे को बाद में उल्टा फुलटा ना करना पड़े, तो अभी शुरुआत है, अभी मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को, अभी इसको हटा देते हैं, अभी मैं पहले इधर ही से लिखता हूँ, मैं इधर से लिख देता हूँ पहले पी ए और फिर मैं ओ ए लिखता हूँ, देखो इस तरीके जैसे यहाँ पर था वही चाहता हूँ मैं, कि वही चीज़ आए पी ए डिवाइड बाई ओ ए। अब इधर से तुम लिख दो भैया कि अगर पी ए नाम लिखे हो तो पहले ऊपर में सी आर डाल दो और नीचे में ओ सी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सी आर डिवाइड बाई में हमारे पास ओ सी, खेल खत्म, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब हमारे पास देखो पी ए और ओ ए दोनों में आ गया, नहीं तो अगर मैं उल्टा करता ना तो फिर मुझे यहाँ पर इसको उल्टा करना पड़ता, नीचे डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लाना पड़ता, तो अब मुझे वो सब नहीं करना पड़ेगा। मैं राइट लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से पता चल रहा है कि पी ए डिवाइड बाई ओ ए अगर इसके बराबर है और पी ए डिवाइड बाई ओ ए अगर इसके भी बराबर है, तो ये वाला और ये वाला भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि मेरा क्यू बी डिवाइड बाई ओ बी जो होगा वो बराबर होगा सी आर और डिवाइड बाई में ओ सी के। अब देखो अब आ जाओ तुम्हें ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ये वाला, ये जो मेरा ओ क्यू आर ये जो ट्रायंगल है ना इसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, अब यहाँ पर वही चीज़ लिखो बाई कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि आप जिसको 6.2 वाला थ्योरम भी कह सकते हो, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखो ये वाला साइड क्यू बी है ना, सॉरी ये क्यू बी और ये ओ बी, और इधर हमारे पास सी आर और ये ओ सी, ये वाला हमारे आपस में क्या है, इक्वल है इस ट्रायंगल के, इस वजह से हमारा जो बी सी होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा, या लिख दो डायरेक्ट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, खत्म कर दो इस क्वेश्चन का खेल। तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी प्रूव होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया था। सभी क्वेश्चन देखो रिलेटेड ही है, अगर तुमने एक क्वेश्चन अच्छे से बना लिया ना, एक क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे, ठीक है बच्चा। चलो सेवंथ क्वेश्चन जो उससे बनाते हैं। तो देखो सेवंथ वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि इससे तुम्हारी जो पुरानी यादें हैं ना, जब तुम थोड़े से बुद्धू बच्चे थे, वो वाली यादें तुम्हारी ताज़ा हो जाएंगी, क्लास नाइन्थ की यादें। क्यों यादें ताज़ा होंगी, क्योंकि क्लास नाइन में तुमने देखो याद किया था एक बार मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, और वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इस बार अपने को मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ नहीं करना है, अपने को जो हम लोग बी पी टी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं ना उसका यूज़ करना है। हमसे बोल रहे हैं कि यूज़ कीजिए थ्योरम नंबर 6.1, यानी कि वही बी पी टी वाला थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास नाइन्थ। और ये भी याद करो कि तुमने इसको नाइन्थ में प्रूव किया था, शायद अभी तुमको ऐसे समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ कि क्या बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम हमने ए बी सी रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि ट्रायंगल में जो हमारा एक पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में बोला गया था, और वहाँ से जो लाइन गई है वो थर्ड वाले साइड के पैरेलल है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना, ये थर्ड वाले साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए से लेकर के एफ तक और एफ से लेकर के सी तक की जो दूरी है वो बराबर होगी, ऐसा ही प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि यहाँ से यहाँ तक और ये वाला जो एफ सी है और ए एफ जो है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मान लेते हैं एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ई जो है वो मिड पॉइंट है एबी का, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था, और साथ ही साथ हमारे पास जो ईएफ है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। अपने को प्रूफ क्या करना है, तो इन दोनों में से तुम कोई भी चीज लिख देना, तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा। देखो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको यह प्रूफ करना है, कहां गया कि अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। आपको यह प्रूफ करना है कि यह बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, और अगर ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि एफ
जो है वो मिड पॉइंट है, अपने को यही प्रूव करना है। तो मैंने लिख दिया कि हम या तो ये प्रूव करेंगे जो एफ है वो मिड पॉइंट है AC का, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि EF जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, EF यानी कि ये वाली लाइन है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है। तो तुम्हारे टीचर हो सकता है तुमको ये वाला लिखवाएं क्योंकि क्वेश्चन यही लिखा हुआ था, बाकी तुम ये भी लिख सकते हो। ठीक, अब हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करते थे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाते थे, तुम लोगों को क्लास 9th का याद होगा तो, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर लगाएंगे कि प्रूफ हमारे पास क्या क्या है भैया जी, तो प्रूफ फिर ऐसे लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, हमारा जो ट्रायंगल ABC है उसमें EF जो है वो पैरेलल है BC का, ठीक है। तो इसलिए अगर ये पैरेलल हुआ तो इस वजह से मेरा जो AE का रेशियो होगा BE के साथ वो इक्वल होगा AF का रेशियो CF के साथ, ठीक है। ये वाला से रेशियो इसके, ये रेशियो इसके बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल है। और ये क्यों हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे या तो थ्योरम नंबर 6.1 ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में 6.1 दिया था, इनको एग्जाम में तो थ्योरम वगैरह लिख के नहीं आएगा, वहाँ पर आपको डायरेक्ट अपने दिमाग से लिखना है कि ये हमारा BPT से हमने किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से किया। अब अपने को F को अगर मिड पॉइंट करना है तो देखो बहुत आसान है, हमको पता है कि E मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब कि AE का और BE का वैल्यू बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, AE और BE में मैं BE के बदले AE लिख सकता हूँ या फिर AE के बदले BE लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ AE डिवाइड बाई AE, मैंने BE के बदले में AE कर दिया क्योंकि E तो मिड पॉइंट था, यानी ऊपर नीचे बराबर बराबर। इधर हमारे पास AF डिवाइड बाई CF ही रहने, तो लेकिन रीजन लिख देना कि ये कहाँ से आया, तो लिखना E इज मिड पॉइंट, ई जो था वो हमारा मिड पॉइंट था AB का, तो इस वजह से ये हमारा AE हो गया है। अब हमारे पास जब इसके ऊपर कट करेंगे तो 1 से पूरा पूरा कट हो जाएगा, है ना, AE कट होगा तो ऊपर नीचे 1 बचेगा, यानी कि 1 इक्वल टू हमारा AF डिवाइड बाई CF आ गया। अब इस CF को इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर हमारा जो CF है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यह आ जाएगा CF बराबर में AF, और CF बराबर में AF का मतलब क्या हुआ, तो CF बराबर में AF का मतलब ये हुआ बेटा कि CF और AF अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि F जो है वो मिड पॉइंट है, या इसको उल्टे तरीके से भी कह सकते हो कि जो EF था उसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, तभी तो ये बराबर हुआ ना, बाइसेक्ट का मतलब बराबर हो जाना। तो इसलिए यहाँ पर लिखोगे हैंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो EF है EF वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, EF बाइसेक्ट AC। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर जो है कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला 7th नंबर का भी क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बेटा, फटाफट अपने फ्रेंड को शेयर करो, और मैं थोड़ा सा सांस लेता हूँ, पानी पीता हूँ, और फिर उसके बाद जल्दी से 8th नंबर का क्वेश्चन बनाता हूँ। देखो 8th वाला भी इसी से एकदम डिटो कॉपी करके दे दिया है, बस इसका उल्टा कर दिया। इसमें बोल रहा है कि 6.2 का यूज़ करो, 6.2 यानी कि वही हमारा BPT का उल्टा कर दो, और ये प्रूव करो कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कोई भी लाइन अगर वो क्या कर रहा है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है किसी भी ट्रायंगल के, तो वो जो लाइन होगा थर्ड वाले के पैरेलल होगा, है ना। तो कहाँ गया, टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और यही आपने क्लास 9th में प्रूव कर रखा है, वही मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स जो हम लोग बोलते थे वही चीज़ है ये वाला। बाकी इस बार BPT से प्रूव करेंगे, जैसे भी पहले वाले को किया वैसे इसको कर देंगे फटाफट। तो देखो यहाँ भी वही काम करना, जल्दी से ABC बना लेना ट्रायंगल, जिसमें हमारा E और F जो है ये पहले से हमें मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमने लिख दिया E और F जो है वो मिड पॉइंट है ट्रायंगल AB का, यानी साइड AB का और AC का। अपने को यहाँ पर प्रूव क्या क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, अपने को प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो EF है वो पैरेलल है BC के। अब हमारे पास इसके लिए क्या क्या प्रूफ है भैया, क्या क्या सबूत है पुलिस वाले के लिए, तो देखो सबूत ये है कि हम लोग ने यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर हमारे पास E मिड पॉइंट है, सबसे पहले हमारे पास E इज मिड पॉइंट, मध्य प्रदेश लिख देता हूँ शॉर्टकट में, मध्य प्रदेश यानी कि मिड पॉइंट, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर ये AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि जो AE होगा उसको अगर मैं वो क्या होगा, वो इक्वल होगा BE के, AE और BE आपस में बराबर होंगे। और अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, यानी कि अगर मैं AE को डिवाइड करूंगा BE से, तो यहाँ पर हमारे पास इसको मैं AE डिवाइड बाई AE लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो बराबर है भैया, तो B और इसका हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, मैं रेशियो क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर थ्योरम का यूज़ करना है जो कि 6.2 में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। और ये फिर 1 से कट हो जाएगा, यानी AE कट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। उसी तरीके से लिखो अगेन दोबारा, हमारे पास जो F है, F इज ऑल्सो मध्य प्रदेश ऑफ AC, मध्य प्रदेश नहीं ना बेटा, मिड पॉइंट होता है, मैं प्यार से उसको मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, तो F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए हमारा जो AF होगा और जो CF होगा वो बराबर होगा। और यहाँ पर भी अगर अपन रेशियो निकाले AF डिवाइड बाई CF का, तो इसको अपन AF डिवाइड बाई AF लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही हैं, तो CF के बदले में AF लिख दो, तो ये भी 1 आ जाएगा, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि ये दोनों पार्ट आपस में बराबर थे, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि फ्रॉम
इक्वेशन नंबर वन एंड टू से ये क्लियर हो गया कि हमारा जो ए ई है डिवाइड बाई बी ई पहले वाली इक्वेशन का वो बराबर है ए एफ डिवाइड बाई सी एफ के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे डायरेक्ट अपना डेरा और लिखेंगे कि इन ट्रेंगल ए बी सी बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, या फिर इसी को तुम लिख सकते हो थ्योरम नंबर 6.2, क्योंकि क्वेश्चन में उसका नाम 6.2 बोला गया था, तो मैं वो थ्योरम जो है उसको भी उतार सकते हो डिटेल में, जो थ्योरम वहाँ पे लिखा हुआ था रट्टू तो टाइप से, लेकिन मैं नहीं उतारता हूँ, मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी ऐसे ही लिखें, बाकी अगर आपके टीचर बोलेंगे नहीं बेटा रटना पड़ेगा मैथ में भी तो रट लेना, क्या कर सकता हूँ मैं, टीचर रटवाएंगे तो नहीं पड़ेगा, बाकी मैं तो अगर कॉपी चेक करूँ ना तो कभी मैं रट नहीं लेना बोलूँ, मैं ऐसे ही बच्चे लिखेगा तो उसको नंबर दे दूंगा। तो हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या 6.2 के अकॉर्डिंग हमारा जो ई एफ होगा वो डायरेक्टली पैरेलल हो जाएगा बी सी के, और हो गया ये प्रूव। तो ये बन गया हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन। चलो बेटा दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से उसे बना लेते हैं। 9th में बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी और डी सी हमारे पैरेलल साइड्स हैं, एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, और इसे जो डायगनल है दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, अपने को शो करना है ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। कितना प्यारा सा दिख रहा है ना, चलो जल्दी से इसको शो कर देते हैं और इसे खेल खत्म कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ए बी सी डी रख लिया है। इस ट्रायंगल में बोला गया था कि इसके जो डायगनल्स हैं ए सी और जो बी डी डायगनल है वो एक पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं, अपने को ये प्रूफ करना है ए ओ डिवाइड बाई बी ओ सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। अब तुम ध्यान से देखो तो ए ओ इधर आ रहा है, बी ओ दूसरे साइड में आ जा रहा है, तो अब कैसे कर सकते हैं भाई, तो इसके लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा बेटा आपको, यानी कि अगर देखो यहाँ पर अगर अपन ट्रायंगल का यूज़ करना चाहें ए बी डी, अगर इस ट्रायंगल का यूज़ करें तो यहाँ पर तो अपने को मिड पॉइंट दिया हुआ है नहीं कुछ भी, या फिर पैरेलल लाइन तो कुछ दिया नहीं है इसके, तो हम क्या करेंगे अपने से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, हम छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं एक छोटा सा ऐसे लाइन बनाऊंगा, ए बी सी डी हो गया है, इसका नाम मैं ई और एफ रख देता हूँ। तो मैं लिखूंगा कि हमने क्या किया कि सबसे पहले अपने को ये प्रूव करना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमने किया क्या, हमने एक लाइन ई एफ बनाया, ड्रॉ ई एफ, और ये जो ई एफ है वो हमने किस तरीके से बनाया है, ये ए बी के पैरेलल है, इस पैरेलल टू ए बी, और अगर ये ए बी के पैरेलल है तो ये सी डी के तो पैरेलल होगा ही, क्योंकि अपने को पहले से दिया हुआ था ए बी और सी डी पैरेलल दिया हुआ था, तो हमने इसको एक लाइन जो बनाया है ये इन दोनों के पैरेलल बना दिया है। अब इसे फ़ायदा क्या हुआ सर जी, आओ वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो तुम लोग लिखो इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल ए डी सी है जिसमें हमारा ए ओ आ रहा है इसको यूज़ करेंगे, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में हमारे पास ये ध्यान देना ये ऐसे ट्रायंगल जो हमारे पास, इसमें हमारा जो ई एफ लाइन जो बाहर तक गया है वो ई से ओ तक भी आया है, ई ओ जो है इसी का पार्ट है, और अगर ये वाला इसके पैरेलल था तो ये ईओ जो होगा वो भी तो इसके पैरेलल होगा, तो इसको डायरेक्ट लिखो तुम लोग कि भैया जो मेरा ईओ है वो पैरेलल है डीसी के, क्योंकि हमारा ईएफ जो था वो भी डीसी के पैरेलल था, तो ईओ जो था उसी का पार्ट है इसलिए वो भी पैरेलल हो गई होगा। तो अगर ये पैरेलल हुआ तो यहाँ से एक हमारा कंक्लूजन निकला, वही चीज़ हमारा थ्योरम बीपीटी से, कौन सा कंक्लूजन निकला कि जो एई होगा और जो डीई होगा वो एओ और सीओ के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अपन एई डिवाइड बाई डीई इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई सी ओ, यहाँ पर लिख दो शॉर्टकट में बी पी टी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको पहला ले लो इक्वेशन। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल है बेटा, तो दूसरा ट्रायंगल देखो तुम इसको ले लो ए डी और ये जो बी ट्रायंगल है ना इसको लोगे तो तुम्हारा ए ओ भी आ जाएगा इसमें और बी ओ भी आएगा, कैसे आएगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो हमारे पास इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी के अंदर हमारा जो ए बी है वो पैरेलल है, इसके पैरेलल है तो एफ ओ के पैरेलल है। अब बोलोगे एफ ओ क्या है सर जी, तो एफ ओ देखो नहीं नहीं एक सेकंड ना, मैंने ए डी बी लिया ना, ई ओ पैरेलल है, हाँ ये जो ई ओ है वो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो एफ ओ गलती से लिख दिया, ई ओ लिखना है मुझे। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये और ये पैरेलल तो इसमें भी चीज़ होगा, ए ई और डी ई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बी ओ और डी ओ के, क्योंकि मैंने इस बार ये वाला ट्रायंगल यूज़ किया, देखो ये वाला ऐसे वाला ट्रायंगल मैंने यूज़ किया है, तो ए ई और डी ई डी ओ और बी ओ ऐसे कर दो। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं कि इसलिए हमारा जो ए ई होगा डिवाइड बाई जो डी ई होगा वो इक्वल हो जाएगा, ऊपर से मैंने नाम लिखा है ना, यानी इसके तरफ से नीचे से लिखा है, तो इधर से होगा बी ओ डिवाइड बाई में डी ओ, हाँ इस तरीके से होगा, और ये भी हमारा हो जाएगा बी पी टी के थ्रू अकॉर्डिंग, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। डाल दो फटाफट फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, वन एंड टू में आप देखो कि ए ई और डी यहाँ भी है, ए डी यहाँ भी है, राइट वाला अगर लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला तो इक्वल होगा ही, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए ओ डिवाइड बाई सी ओ
इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई डी ओ। और ये तो अपने को प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना। अच्छा नहीं नहीं एक चीज़ हम लोग यहाँ पर प्रूफ ये करना था कि ए ओ डिवाइड बाई बी ओ करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन बी ओ किधर ले आते हैं, सी ओ को उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये जगह ए ओ डिवाइड बाई बी ओ, न्यूमिनेटर से इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर वाला उधर जाकर के न्यूमिनेटर में हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो प्रूफ करना था वो पार्ट भी आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इक्वेशन भी। बस इसमें एक नया काम ये करना था कि आपको एक अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, डायरेक्टली हमारा काम नहीं हो पा रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं, जब जरूरत पड़ेगा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे। तो नाइन्थ वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बेटा नोट तुम लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। और अभी तक अगर शेयर नहीं किया हो ना तो तुम लोग को मैं किसी का कसम दूँ यार, टमाटर का कसम दूँ क्या, बहुत महंगा चल रहा है टमाटर। ठीक है टमाटर का कसम दे देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत महंगा चल रहा है, 100 रुपये 80 रुपये किलो चल रहा है। तुम लोग अगर नहीं दिया ना तो तुम लोग सब्जी में टमाटर नहीं निकलेगा। चलो दसवां जो क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। फिर से टेंथ नंबर में वही काम किया गया है जो पिछले क्वेश्चंस में किया गया था, बस उल्टा कर दिया। जैसे 7-8 में किया था उसी 9-10 में कर दिया है। 10 वाले में बोल रहा है कि द डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ डिवाइड बाई बी ओ एंड सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। तो शो करो कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। पिछले बार पहले से बता दिया गया था कि ट्रेपीजियम है और ये चीज़ अपने को शो करना था। इस बार अपने को ये चीज़ पहले से दे दिया गया है और अपने को बताना है कि वो एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम बताने के लिए कुछ नहीं करना रहता, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कम से कम एक पेयर को, कम से कम क्या एक ही पेयर, दोनों पेयर मत कर देना, एक पेयर जो हमारा होगा अपोजिट साइड का उसको अपने को पैरेलल प्रूफ करना पड़ता है। अगर एक पेयर जो है हमारे पास ऊपर नीचे का या फिर इधर का अगर आपस में पैरेलल है तो उस कंडीशन में हमारे पास वो जो है क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कहलाता है। चलो मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूं। तो देखो यहाँ पर हमें से क्या बोला गया था कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम नहीं बताया गया था, एक क्वाड्रिलेटरल बोला है फिलहाल के लिए, और इसको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको करना यह है कि ए बी को और सी डी को पैरेलल प्रूफ कर देना है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हो गया तो ए बी सी डी ऑटोमेटिकली एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग ने क्या किया, फिर सभी काम किया कि ई एफ नाम का एक लाइन बनाया है जो कि पैरेलल है ए बी के। फिलहाल हम लोग इसको पैरेलल टू सी डी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पिछले बार हमको ए बी और सी डी पैरेलल दिया था, इसीलिए अगर अपन कोई लाइन बनाएंगे जो इसके पैरेलल होगा तो वो इसके भी पैरेलल होगा। लेकिन इस बार अपने को इसको जो है इनके पैरेलल प्रूफ करना है, अभी तो दिया हुआ है नहीं, तो अपन इसको बस नहीं लिखेंगे कि जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है। मैंने हड़बड़ी में सी डी के ही पैरेलल लिख दिया जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था। कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियाँ। चलो प्रूफ करते हैं अभी इसको। कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल पकड़ेंगे वही टाइप से, ए डी और बी ट्रायंगल को मैं पकड़ लेता हूँ, या फिर ए डी बी को नहीं पकड़ता हूँ पहले, तो ये तो मेरे को पैरेलल पता ही है। मेरे को मेन करना है इस वाले लाइन को इसके पैरेलल। अगर मैं इसको इसके पैरेलल कर दिया तो ये वाला और ये वाला तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। तो मैं ए डी और सी ट्रायंगल को पकड़ता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी के अंदर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था, हमको बताया गया था क्या बताया गया था क्वेश्चन में, कुछ तो दिया था ना, क्या दिया था, ए और बी ओ दिया हुआ था। रुक जाओ तो पहले मैं लिख लेता हूँ, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ दिया हुआ है, उसको इक्वल दिया हुआ है सी ओ डिवाइड बाई डी ओ के। ठीक है तो हम लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर से ए ओ और बी ओ, तो हमने पिछले बार किया था कन्वर्स करके उल्टा करके, इसका मतलब कि मेरे को ए ओ और सी ओ मिलेगा। तो मैं फिर इसको उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पर ए ओ डिवाइड बाई सी ओ कर देता हूँ और बी ओ को वापस ले जाता हूँ, तो बी ओ डिवाइड बाई डी ओ हो जाएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही मिलेगा, वो तो हमने लास्ट में ना ऐसे बनाया था, तो हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसा अब हम कैसे लाएंगे वो देखना है ना तुम्हें। यहाँ पर हमने लिया हुआ है ए डी सी ट्रायंगल को, तो इसमें हमारे पास ई जो है क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड ना, इसका मैं सीक्वेंस जमा लेता हूँ पहले। अब मुझे समझ में आया गड़बड़ में क्या कर रहा हूँ। गड़बड़ ये कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए डी सी का यूज़ कर लेता हूँ, डायरेक्ट ए डी सी में नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास ए डी सी वाला आया ही नहीं है पार्ट, तो हम लोग इसको ए डी सी नहीं लिखते हैं। पहले ये चीज़ दे दिया था अपने को, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, हमने क्या किया कि इसको जो हमारा सिंपल फॉर्म था उसमें ले आया। इसको नाम चाहो तो तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लिख दोगे तो तुमको ही काम आसान लगेगा। अब क्या करो तुम, पहले ये वाला, चूंकि हमने साइड को इसके पैरेलल किया था ना, तो पहले तुम इसी ट्रायंगल का यूज़ करो, जैसे मैं पहले लिख रहा था ए बी डी, इस ट्रायंगल का यूज़ करो। यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ए बी और डी, इस ट्रायंगल में हमारे पास जो ए बी है वो पैरेलल है ई ओ के, है ना, क्योंकि हमने इसको बनाया ही है ए बी को ई एफ के पैरेलल, तो ए बी और ई ओ आपस में पैरेलल हो गई। और अगर ये और ये पैरेलल है तो इसका मतलब वही चीज़ होगा कि ए ई और डी ई जो होगा वो डी ओ और बी ओ के बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको कि इसलिए हमारा जो ए ई डिवाइड बाई डी ई होगा वो इक्वल होगा बी ओ डिवाइड बाई डी ओ के। ठीक है ये कहाँ से हो रहा है, तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो रहा है, बी पी टी से हो रहा है।
अब लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि बी ओ और डी ओ जो था वो ए और सी ओ के बराबर था, ये चीज़ हमने किया है नॉर्मली, तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे कि बी ओ और डी ओ के बदले में ए और सी ओ लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा ए ई डिवाइड बाई डी ई है ना भैया, वो क्या है, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ के बराबर है। और ये कहाँ से हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से हुआ, इसीलिए मैंने बताया कि उसका नाम इक्वेशन वन दे दो, तो यहाँ पे फिर तुमको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ए ई डिवाइड बाई डी ई, देखो ए ई डिवाइड बाई डी ई आ गया और ए ओ डिवाइड बाई सी ओ आ गया, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगने वाला है, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा हूँ यार, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी जो 6.2 वाला थ्योरम था वो लग गया। और जब हमारे पास जो साइड्स हैं अगर वो आपस में सेम रेशियो में है तो ये और ये आपस में पैरेलल हो जाएगा, यही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। जो लिख देते हैं अपन कि नाउ इन ट्रैंगल ए डी सी, अब ट्रैंगल ए डी सी का यूज़ किया जाए और इसमें बताया जाए कि जो हमारा ए ई है वो डिवाइड बाई डी ई के और वो इक्वल है ए ओ डिवाइड बाई सी ओ के, तो इसलिए बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स ये प्रूफ होता है कि जो मेरा ई ओ लाइन होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, ई और सी डी पैरेलल हो गए, और अगर ई और सी डी पैरेलल हैं तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ई एफ और ए बी तो पैरेलल था ही, बट ऐसे लिखेंगे बट ई ओ वो पैरेलल था ए बी के भी। ठीक है ना, ई ओ कौन सा पार्ट, ये देखो ई ओ ये वाला पार्ट और ए बी ये वाला पार्ट, तो ई और ए बी पैरेलल थे, ई ओ और सी डी को हमने पैरेलल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी और ए बी भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर बगल में लिखता हूँ मैं, इधर मैं एरो बना देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग गए हैं, तो यहाँ पर लिखना आपको क्या है कि इससे ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी आर पैरेलल, सो इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टू साइड्स आर पैरेलल, दो साइड जो हमारे वो पैरेलल हैं, इसलिए या हैंस करके लिख दो, इसलिए बार बार यूज़ किए हैं, तो हैंस हमारा जो ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये क्या होगा, एक ट्रेपीजियम होगा। तो बच्चा लोग, होता है हमारा एक्सरसाइज 6.2 यहाँ पर कंप्लीट। इसमें आपको बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ना था, थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ना था, थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 के बारे में ही पढ़ना था, और उसी से सारे क्वेश्चन को बनाने थे। एक घंटा का लगभग क्लास हुआ है, 51 मिनट का। अब जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो इस क्लास को, अगर तुम लोग को मज़ा आया हो तो, अगर मज़ा नहीं आया तो उसका रीज़न मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने लिंक वगैरह जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी चीज़ों को चेकआउट जरूर कर लेना। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए, यानी कि अगला एक्सरसाइज का भी अगर वीडियो चाहिए, या आपको 6.1 भी मुझे इसे पढ़ना है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो उन सभी का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा।